धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो काम तो स्वामी साहब ही करती है, तो इसका मतलब वो चमत्कार थोड़ी है। तो हर धर्म अपने लिए नया राष्ट्र मांगेगा, इससे देश की शांति भंग होगी, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। झूठन खाकर अपना जीवन गुजारा है, झूठन खिलाने वाले कौन लोग थे, उनको पक्का नहीं किया जाता, तीन तीन चार चार महीने उसकी सैलरी रोक दी जाती है, कहाँ से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। इस तरह की जो चौपाई हैं जिन्होंने भारत देश की मानवता के अंदर जो विष घोलने का काम किया है, इस तरह के विचारों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और देश को संविधान के अनुसार चलने देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी विवेकनाथ महाराज जी, जो कि लगातार लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे में आज चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में और हिंदू राष्ट्र के बारे में, क्योंकि लगातार लोगों की जो है मांगें बढ़ रही हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में। क्या कहेंगे विवेकनाथ महाराज जी, अभी एक बाबा आए हैं वो चमत्कार दिखा रहे हैं, लोगों का भविष्य पर्ची के द्वारा बता देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान वाल्मीकि आश्रम नेहरू पार्क चाणक्यपुरी दिल्ली में आपका स्वागत है। जो यहाँ के विचारों को आप प्रचारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, आपने प्रश्न किया है बागेश्वर धाम बाबा के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है जी। देखो, इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है। चमत्कार हमारे संतों ने, महापुरुषों ने इस चमत्कार को ही पाखंड कहा है। चमत्कार लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को बरगलाने का कार्य होता है, जिसका हमेशा समझदारों ने, महापुरुषों ने विरोध किया है। ये जो सृष्टि का जो संचालन है, इसके लिए तीन केंद्र बिंदु हैं जो भगवान वाल्मीकि जी ने इस मानव समाज के लिए दिए हैं। नंबर एक ज्ञान, नंबर दो कर्म, नंबर तीन उपासना। जितने भी इस दुनिया के शास्त्र हैं और जितने भी गुरु हैं, तीन बात कहते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान के अंदर चमत्कारों का कोई स्थान नहीं है, कर्म के अंदर चमत्कार का कोई स्थान नहीं है, उपासना के अंदर भी चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। लेकिन गुरुजी वो तो चमत्कार कर रहे हैं ना बागेश्वर धाम में। देखो, अभी एक हिंदुस्तान की बेटी जिसकी मैं वीडियो देख रहा था, उसने उन चमत्कारों का पर्दाफाश किया। आप सुहानी शाह की तो बात नहीं? हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? सुहानी शाह। सुहानी शाह, हाँ ठीक ठीक, सुहानी शाह। जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो काम तो स्वामी साहब ही करती है, तो इसका मतलब वो चमत्कार थोड़ी है। वो एक हाथ की और विचार की एक सफाई होती है। जिनको ये कला आती है वो लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो आप किसी का इस तरह के विचारों से मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन मानव समाज का इन विचारों से संचालन नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं उनके वीडियो देखता हूँ, आप विचार करिए, एक शास्त्री का एक पहनावा होता है, आप उनके पहनावे को देखिए, उन्हें कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं है, चार खाने के कमीज होती हैं, शर्ट होती हैं, एक शास्त्री की एक यूनिफॉर्म होती है, जैसे एक संत की यूनिफॉर्म होती है, एक धर्माचार्य की यूनिफॉर्म होती है। आप एक बार नज़र मार के उनके वस्त्रों पर देखो, उनका एक भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो उनके नाम से मेल खाता हो। साथ साथ जो उनका बात करने का तरीका है, उनका बात करने का तरीका इस तरह से है जैसे एक किसी नौटक नाटक कंपनी में जो जोकर होता है, जो इस तरह के उसके विचार होते हैं लोगों को हंसाने वाले। आपका कहने मतलब कॉमेडी करते हो? हाँ, कॉमेडियन कह सकते हैं। और ये उनके हाव भाव से देख करके कोई भी महसूस कर सकता है, मेरा विचार नहीं है ये, तो उनके हाव भाव से ये पता लगता है। इस तरह का एक धर्माचार्य को, एक शास्त्री को नहीं होना चाहिए। उसकी जो वेशभूषा उस तरह उसके विचार उससे मेल खा पद से मेल खानी चाहिए।
उसका जो हाव भाव है वो भी उसके पद से जो नाम है उसे मेल खाना चाहिए। लेकिन गुरुजी वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। देखो, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र? क्योंकि इस देश के अंदर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, मानने वाले सिख धर्म को मानने वाले इस देश में रहते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले इस देश में रहते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले इस देश में रहते हैं, जैन धर्म को मानने वाले इस देश में रहते हैं, यानी तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात को, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हर धर्म अपने लिए नया राष्ट्र मांगेगा। इससे देश की शांति भंग होगी, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए ये केवल जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, ये भी एक लोगों को भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि भारत देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। योगी जी भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या दिक्कत आएगी गुरु जी? नहीं नहीं, दिक्कत तो है जब हर धर्म अपने लिए राष्ट्र अलग मांगेगा। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पंजाब के अभी एक घटना घटी है, तो एक वहाँ के एक सज्जन है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए। अब उनकी डिमांड पहले से है, उन्होंने उदाहरण दे दिया, जब हिंदू राष्ट्र आप मांग सकते हैं तो हम खालिस्तान पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? जब हिंदू राष्ट्र पर चर्चा हो रही है तो खालिस्तान पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? तो इससे तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा ना। तो वाल्मीकि जाति कहाँ जाएगी गुरुजी? वो तो सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र को, हिंदू धर्म को ढोने वाली जाति है, सबसे बढ़ चढ़ के हिंदू धर्म को वही मानती है, तो वो कहाँ जाएगी फिर? देखो, ऐसा है, भारत देश के अंदर जितना शोषण वाल्मीकि जाति का हुआ है और हो रहा है, उतना शोषण पूरे विश्व में, मानव समाज में किसी जाति का शोषण नहीं हो रहा होगा जितना इस समाज के ऊपर अत्याचार होता आया है और लगातार हो रहा है। आप ये देखिए, इस जाति के लोगों ने झूठन खाकर अपना जीवन गुजारा है। झूठन खिलाने वाले कौन लोग थे? क्या वो मुसलमान थे? वो झूठन खिलाने वाले हिंदू ही तो थे। मजबूर किसने किया? कोई झूठन खाता है तो वो कोई खुशी से नहीं खाता, वो भुखमरी और लाचारी में किसी का झूठा खाएगा। हजारों साल तक इस समाज को झूठन खाने के लिए मजबूर किया गया है, आज भी ये समाज झूठन खाने के लिए। लेकिन अब तो बोल रहे हैं कि सब बराबर हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनते ही सब बराबर हो जाएंगे। आप ये देखिए कि अभी भी ये समाज मैला उठा रहा है। तो किस, आज देश को 75 साल हो गए, इस समाज की तरफ किसने ध्यान दिया? देश के सबसे निचले पायदान पर वाल्मीकि समाज है, आज तक किसी की नज़र ही नहीं पड़ी है इस समाज के ऊपर। क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि शोषण इस समाज का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, अन्यथा समाज के इस तरह के वर्ग को जो झूठन उठाता है, जो मैला उठाता है, लोगों की टट्टियां साफ करता है, दिल्ली जैसा राज्य जिसमें सफाई कर्मचारियों को 25-25 साल हो गए काम करते हुए, उनको पक्का नहीं किया जाता, 3-3, 4-4 महीने उसकी सैलरी रोक दी जाती है, कहाँ से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, कहाँ से वो अपने बच्चों की शादी ब्याह करेगा? आप देखिए कितना शोषण नहीं हो रहा। एक आदमी रिटायर हो जाता है, उसका रिटायरमेंट का पैसा नहीं दिया जाता, उसको पेंशन नहीं टाइम पर दी जाती। तो एक समाज जिसका शोषण हजारों साल से होता रहा है, आज भी हो रहा है, और इसीलिए तो डिमांड हो रही है हिंदू राष्ट्र की, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये बढ़ जाएंगी। हिंदू भाई, एक बात बताइए, कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, टोटल मंत्रिमंडल हिंदू, देश के जितने भी राज्यपाल हैं 2-4 को छोड़ करके सारे हिंदू हैं, देश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, देश के कैबिनेट में हिंदू है,
जब सारा कुछ हिंदू है तो फिर हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? गुरुजी पूरे विश्व में एक नई पहचान मिलेगी इंडिया को, ये इंडिया हिंदू राष्ट्र है, इसलिए तो डिमांड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई पहचान नहीं है। इस देश में दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, पिछवाड़े से झाड़ बांध दिए उनके, है गले में हंडिया लटकाई गई, इसे कौन नहीं जानता? ये भी तो इसी देश में हुआ है, है? दलित जो है, शूद्र जो है, थूक नहीं सकता जमीन पर, उसके पैर छप जाए उसको मिटाने के लिए झाड़ बांध दिए उसके पीछे। तो ये किसने झेला? ये दलित ने और शूद्र ने झेला नहीं है। अभी आप देखो एक विचार चल रहा है शूद्र को लेकर के, एक चौपाई को लेकर के, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब उसके अनुसार ही तो कार्य हुआ है। अब उस चौपाई का अर्थ जो सच्चा अर्थ है, जिसके आधार से एक व्यवस्था कायम हुई है, अब उसको एक झूठा अर्थ और किया जा रहा है कि भाई ताड़ने का अधिकार, मतलब किसी को मारपीट करने का नहीं है। अरे भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है, शिक्षा से अभिप्राय नहीं है इसका ताड़ने का, इसका अभिप्राय ही मारने पीटने का है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो यही हुआ है, है? भाई जैसे ढोल को पीटा जाता है उसमें से आवाज निकलती है, गंवार को पीटने की बात उस चौपाई में कही जा रही है, शूद्र को यानी पशु की तरह शूद्र को पीटना चाहिए उसकी बात कही जा रही है, स्त्री को पशु की तरह पीटना चाहिए उस तरह की बात कही जा रही है, तो वो बात तो क्लियर है। अब उसका अर्थ निकाला जा रहा है कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है। तो ऐसा नहीं है, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं कि इसका मतलब यही है कि प्रताड़ित करो। इस तरह की जो चौपाई हैं जिन्होंने भारत देश की मानवता के अंदर जो विष घोलने का काम किया है, इन चौपाइयों के इस विचार की वजह से ही समाज में वैमनुष्यता फैली है। छुआछूत जातिवाद इनके ही कारण तो हैं, है? जो स्वामी विवेकनाथ महाराज के पक्ष में नहीं है हिंदू राष्ट्र के? नहीं, मैं तो मैं उस पक्ष में हूँ कि ये जो देश है जिसको हमारे करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया है, इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का योगदान रहा है, सभी ने बलिदान दिया है, सभी प्रेम से रहें, भाईचारे के साथ रहें, साथ साथ ये तो संविधान के थ्रू चल ही रहा है गुरु। चूँकि इस देश को जो संविधान है, इस संविधान को सभी के समानता के लिए, भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, न्याय के लिए हमारे उस समय के महापुरुषों ने और इस संविधान का निर्माण किया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि जो ये देश को संविधान दिया और दलित दबे कुचले शोषित लोगों के अधिकारों को उन्होंने सुरक्षित करने का काम इस संविधान में किया है। तो देश संविधान से चलेगा, किसी शास्त्र से नहीं चलेगा। जब तक देश संविधान से चलेगा हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश में भाईचारा रहेगा, हमारे देश में समानता रहेगी, हमारे देश के अंदर प्रेम भाव रहेगा, हमारे देश की एकता और अखंडता को कोई आँच नहीं आएगा। अगर हम अलग अलग धर्मों के आधार से अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए बात करेंगे तो उससे हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा। इस तरह के विचारों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और देश को संविधान के अनुसार चलने देना चाहिए, उसमें ही हमारे देश का भला है। तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकनाथ महाराज थे, लगातार अपने मार्गदर्शन से तमाम लोगों का एक मार्गदर्शन देते हैं तमाम लोगों को, और लगातार इस देश की जो वाल्मीकि कम्युनिटी है उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और उनके विचारों को लगातार ये जो कम्युनिटी है वो फॉलो भी करती है। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं स्वामी विवेकनाथ महाराज के इन विचारों के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।